नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आगामी HSSC परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, जो प्रीवियस HSSC परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। तो शुरू करते हैं। राखी गढ़ी, जिसे हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति स्थल माना जाता है, वह हरियाणा के रिक्त स्थान जिले में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, हिसार। किस मुगल के शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, शाह आलम। प्रसिद्ध पुरातत्वविद रविंदर सिंह बिष्ट ने हरियाणा हिसार के बनावली में रिक्त स्थान सभ्यता पर काम किया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता एक रिक्त स्थान सभ्यता है। ऑप्शन ए, कांस्य युग। वर्तमान भारत की विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म रिक्त स्थान में हुआ था। ऑप्शन ए, अंबाला कैंट। अगला प्रश्न है, किसने भारत के लिए अब तक का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न है, सरकारी रिपोर्टों के अनुसार हरियाणा के कुल बसे हुए गांवों में से रिक्त स्थान प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो गया है। 30 जून 2017 तक की ग्रामीण विद्युतीकरण रिपोर्ट के अनुसार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 100%। अगला प्रश्न है, बल्लभगढ़ का नया नाम क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बलरामगढ़। भारत सरकार ने भारत का पहला स्मार्ट सिटी बनाने के लिए रिक्त स्थान का चयन किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुरुग्राम। अगला प्रश्न है, अंबाला और हरिद्वार के बीच कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? ऑप्शन बी, नेशनल हाईवे 72। हरियाणवी भाषा में लिखे गए प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी की रचना किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजा राम शास्त्री ने। हरियाणवी के कई शब्द रिक्त स्थान भाषा के शब्दों के समान हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, फिनिश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किताब कपिल देव की एक आत्मजीवनी नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सनी डेज। सुरेंद्र शर्मा एक बहुत प्रसिद्ध हरियाणवी रिक्त स्थान है। ऑप्शन बी, व्यंगकार हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, व्यास नदी। रिक्त स्थान जिले में हरियाणा के सभी जिलों की तुलना में सबसे अधिक वर्षा होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंबाला में। अगला प्रश्न है, दारुएड़ा इंडस्ट्रियल टाउन सबसे तेज गति से बढ़ने वाला औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा के रिक्त स्थान जिले में है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, रेवाड़ी। अगला प्रश्न है, हरियाणा की सीमा रिक्त स्थान की सीमा से सटी हुई नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुजरात। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल रिक्त स्थान वर्ग किलोमीटर है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा राज्य में रिक्त स्थान जिले हैं। ऑप्शन ए, 22 जिले हैं। 22वां जिला चरखी दादरी 16 नवंबर 2016 को गठित हुआ। हरियाणा की उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, चंडीगढ़ में। साहिबी नदी अंत में रिक्त स्थान में गिरती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यमुना में। चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर रिक्त स्थान में है। ऑप्शन ए, भिवानी में है। अगला प्रश्न है, फतियाबाद रिक्त स्थान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी, सूती धागे। किसे हरियाणा शहर को बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है? ऑप्शन बी, भिवानी को मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबार में रिक्त स्थान थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, अस्थाना कवि थे। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन सी,
श्री भगवत दयाल शर्मा। इब्राहिम लोदी की कब्र रिक्त स्थान में स्थित है, ऑप्शन डी पानीपत में। स्वतंत्रता से पहले पंजाब विधानसभा में निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध किया और एक अलग समूह का गठन किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सर छोटू राम। अगला प्रश्न है, हरियाणा मंत्रिमंडल ने हाल ही में दिल्ली से रिक्त स्थान तक मेट्रो रेल के विस्तार को मंजूरी दे दी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सोनीपत। अगला प्रश्न है, हरियाणा में हर साल कितने खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार मिलता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 11 को। 5 लाख रुपए इनामी राशि दी जाती है इसमें। रिक्त स्थान को हरियाणा का मिलेनियम शहर कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी गुरुग्राम को। चौधरी देवीलाल उत्कृष्ट अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना AICRP पुरस्कार का प्रायोजक कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। किन्हें लोग प्यार से हरियाणा का कालिदास कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दीपचंद बहमन। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यमुना नदी। अगला प्रश्न है, अमानत एक शहीद की लेखक रिक्त स्थान है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कृष्ण बाछल। बाण भट्ट रिक्त स्थान के दरबार में एक कवि थे, ऑप्शन बी हर्षवर्धन। इनमें से कौन हरियाणा का एक हिल स्टेशन है? ऑप्शन डी मोरनी। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? ऑप्शन बी सिरसा जिले में। दमदमा झील रिक्त स्थान जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गुरुग्राम में। अरावली पर्वत श्रेणी जो हरियाणा से होकर गुजरता है वह रिक्त स्थान पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन डी उत्तरी। यह उस पर्वत की जो श्रेणी उत्तरी है, लेकिन अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा में दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में आपको रिक्त स्थान मिट्टी देखने को मिल सकती है? ऑप्शन बी बलुई दोमट। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को रिक्त स्थान वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन बी 5 वर्ष। हरियाणा की विधायिका रिक्त स्थान है? ऑप्शन ए 1 सदनीय है। अगला प्रश्न है, हरियाणा रिक्त स्थान को वृक्ष दिवस मनाता है? ऑप्शन बी 15 जुलाई को। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ हरियाणा में सबसे प्रमुख रूप से पाए जाना वाला पेड़ है? ऑप्शन सी यूकलिप्टस। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार किस जिले में लगाया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पंचकुला। एक राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन डी राज्य का राज्यपाल। अब कुछ इंडिया जीके से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। फाहियान भारत की यात्रा करने वाला पहला रिक्त स्थान भिक्षु था? ऑप्शन सी चीनी। भारत में शहीद दिवस हर साल रिक्त स्थान को मनाया जाता है? ऑप्शन डी 30 जनवरी। बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी रिक्त स्थान है? ऑप्शन डी नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से कौन GST दर गलत है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 16। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन डी के वेणुगोपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद को 2 सदनों को संयुक्त सत्र बुला सकते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज का दूसरा स्तर है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी पंचायत समिति। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 5 वर्ष का।
दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।